हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है पूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया विषय जिसका नाम है केमिस्ट्री। हाँ जी, साइंस की ही ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री, जो हम आज स्टडी करेंगे, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो क्या होता है रसायन विज्ञान? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होता क्या है। देखिए, केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज चेंज ऑफ मैटर। ठीक है, हमारे पास रसायन विज्ञान क्या है? किसी पदार्थ की संरचना, संगठन और उसकी प्रकृति के बारे में जानना रसायन विज्ञान कहलाता है। इसके अलावा दैनिक जीवन में इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, इस चीज का भी अध्ययन हम कहां करते हैं? अपने रसायन विज्ञान में करते हैं। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री है, हमारे पास जो ये केमिस्ट्री है, इसकी उत्पत्ति इजिप्ट में हुई थी। इसकी उत्पत्ति इजिप्ट में हुई थी, मिश्र में। और जो केमिस्ट्री वर्ड है हमारे पास, ये कीमिया से, ग्रीक भाषा की एक शब्द कीमिया से हमारे पास आया है, जिसका मतलब होता है काला। ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ब्लैक। ठीक है, अब हम बात करें कि जनक कौन है केमिस्ट्री का, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। देन आपने एक ही नाम याद रखना है, जो क्या है? एंटोनी लेवोशियर। हमारे पास जनक कौन है? लेवोशियर। यह आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि हमारे पास केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवोशियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को, हम रसायन विज्ञान को क्यों स्टडी कर रहे हैं? तो देखिए, एक बार, योर एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। आपकी कंप्लीट बॉडी केमिकल्स से बनी होती है। ठीक है, हम केमिकल्स, जो हमारी पूरा स्ट्रक्चर है वो केमिकल्स से, फॉर्मेशन से है। तो केमिकल किस में आते हैं? केमिस्ट्री में आते हैं। हम जो इनटेक करते हैं, हम जो फूड लेते हैं, हम जो मेडिसिन लेते हैं, वो कहाँ आती है? हमारी केमिस्ट्री में आती है। ठीक है, तो हमारे पास रसायन विज्ञान को पढ़ना इसलिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो हमारे पास जो मेन ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो तीन है। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने भौतिक केमिस्ट्री के बारे में, कि ये है क्या हमारे पास। ठीक है, भौतिक रसायन के बारे में। तो देखिए, जो भौतिक केमिस्ट्री है हमारे पास, इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स टू द केमिकल सिस्टम। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे पास केमिस्ट्री में रणनीतियां हैं, सिद्धांत है, प्रणालियां हैं, उन सब की स्टडी, उन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देखिए, भौतिक रसायन विज्ञान रासायनिक प्रणालियों के लिए तकनीकों और भौतिकी के सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। मतलब हम जितने भी हमारे पास रूल रेगुलेशन आएंगे, वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन CH बॉन्ड। हम केमिकल्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, जो आवर्त सारणी है, उसमें जो भी एलिमेंट है वो कहां से आया है, कब आया है हमारे पास, वो किस चीज से बना, इस चीज की स्टडी हम कहां करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, जो मेन पार्ट है इसमें वो है पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जिन मटेरियल्स में, जिन हमारे पास पदार्थ में, कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ आपके कार्बन से बने होते हैं, जिनमें कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है, उनकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। देखिए, आज बेसिकली आपको केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको बताया जाएगा कि क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से आपके चैप्टर हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम आपको शो कर रखे हैं, जो आपके कहां हैं, मेन आपके एग्जाम्स में आए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका है मैटर, पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मिक्सर एंड सॉल्यूशन। ठीक है, मिश्रण व विलयन। ठीक है, देखिए, सॉल्यूशन से आपका एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मिल्क है हमारे पास, जो मिल्क होता है वो किस चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर है ना कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिल्क किस प्रकार का सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से दो या तीन क्वेश्चंस जरूर आते ही आते हैं। ठीक है, ये भी हम 1-2
2-1 स्टडी करेंगे, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, पीरियोडिक टेबल. देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका, यहाँ से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, अधातु एंड उपधातु, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अदर कंपाउंड. ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, ये 1-to-1 आपको डिटेल में कराए जाएंगे. अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री को, जब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में हम रीड आउट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है. पदार्थ मतलब हमारे पास सब्सटेंस क्या होता है. ठीक है, तो सब्सटेंस वो चीज़ है जो हमें विजिबल है, जो हम देख सकते हैं, वो सब सब्सटेंस है. अब ये विजिबिलिटी भी 2 टाइप की होती है, एक सजीव एक निर्जीव. ठीक है, हमारे पास सब्सटेंस भी तो बेसिकली 2 टाइप के हैं, विजिबल तो हैं. ठीक है, तो विजिबल भी हम 2 प्रकार से तो देख सकते हैं, एक हमारे पास क्या होता है सजीव और दूसरा क्या होता है निर्जीव. ठीक है, निर्जीव. अब इन सब सब्सटेंस की कुछ स्टेट होती हैं, इन सब सब्सटेंस की क्या होती हैं, कुछ स्टेट होती हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. जो मेन स्टेज हैं हमारे पास सब्सटेंस की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. तो देखिए सॉलिड के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि सॉलिड्स क्या होते हैं. ठीक है, सॉलिड, सॉलिड को हम अगर बोले तो ठोस बोल सकते हैं. ठीक है, देखिए सॉलिड बेसिकली ऐसे अणुओं से बने होते हैं जो बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे के, जैसे कुछ इस टाइप से हमारे पास अणु हैं जो एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं. देखिए, ठीक है, इन अणुओं के बीच में आपको स्पेस बहुत कम लग रहा होगा. अगर आपको स्पेस लग भी रहा है तो देखिए आपको ये स्पेस दिख रहा होगा, बीच में ये वाला स्पेस आपको दिख रहा होगा. ठीक है, ये जो बीच में स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स. क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स. ठीक है, अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स. अब देखिए सॉलिड के केस में क्या होता है, आपके जो अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, दैट मीन्स उनके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है. हम कह सकते हैं कि जो ये फोर्स इनके बीच में लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है. ठीक है, स्ट्रोंग है तो हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, दूसरी बात ये बहुत पास पास है, स्पेस भी बहुत कम है हमारे पास. ठीक है, और जब भी हम किसी सॉलिड को देखते हैं तो उसका वॉल्यूम हमें फिक्स दिखता है और उसकी जो शेप होती है वो भी हमें फिक्स दिखती है. ठीक है, तो हम सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे कि जिनका हमारे पास जो शेप है वो क्या हो, फिक्स हो. ठीक है, निश्चित हो, और जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो, फिक्स हो. ठीक है, तो सॉलिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं और जिनका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रोंग होता है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको. अब हमारे पास जो सेकंड स्टेज थी वो क्या थी, लिक्विड. लिक्विड मतलब द्रव. ठीक है, द्रव क्या होता है हमारे पास, देखिए एक बार आप, अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड. ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ लिक्विड वाटर, हम वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं. अब वाटर को आप अगर ग्लास में डालते तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, अगर हम उसको मग में डालते हैं तो वो मग की शेप ले लेता है. ठीक है, तो सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ कि जो लिक्विड है उनका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होता है, और वॉल्यूम फिक्स होता है, बट उनका जो शेप है या साइज है हमारे पास वो वैरी करता है. ठीक है, वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, जिस जैसे चाहे हम उसको चेंज कर सकते हैं. अगर हम ग्लास में डालेंगे ग्लास जैसा, मग में डालेंगे मग के जैसा हमारे पास हो सकता है. ठीक है, दूसरी बात, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है हमारे पास वो लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होता है, थोड़ा वीक होता है. ठीक है, लिक्विड में क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, थोड़ा वीक होता है. तो हमारे पास लिक्विड आपको समझ आया. अब बात करते हैं हम गैस पार्टिकल की. ठीक है, गैस क्या होते हैं हमारे पास, देखिए गैस में हमारे पास जो पार्टिकल है बेसिकली अणु जो है वो दूर दूर होते हैं. ठीक है, ना तो उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उनकी साइज और जो शेप है वो फिक्स होती है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम भी चेंज होता है, चेंजेबल है. ठीक है, और जो हमारे पास उसका साइज या शेप है वो भी क्या है हमारे पास, अनिश्चित है. ठीक है, वो भी हमारे पास चेंज हो सकती है, चेंज ही होती है हमारे पास. ठीक है, दूसरी बात, अब जो गैस के पार्टिकल हैं वो दूर दूर होते हैं तो उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स
बहुत ज्यादा वीक होती है, वीकेस्ट फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होती है, किसके केस में, गैस के केस में, ठीक है। अगर मैं आपको एक शॉर्ट डायग्राम से बताऊं तो देखिए समझिए, कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है, ठीक है। इसका हमारे पास जो वॉल्यूम है और जो शेप है वो फिक्स है, वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। दूसरी बात, इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, स्ट्रोंग है, ठीक है। अब मैं बात करूं लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या होते हैं, पार्टिकल आपके थोड़े से लूज होते हैं, ठीक है, थोड़े से लूज होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड के, देखिए आप, ठीक है, थोड़े से लूज है हमारे पास इसके कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास लिक्विड का है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बट जो इसका शेप है, साइज है, वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेयर में इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। अब मैं बात करूं गैस के पार्टिकल की, तो गैस के पार्टिकल ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं हमारे पास, छोटे पार्टिकल, एक दो ही पार्टिकल हमारे पास इस स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, इसमें बहुत दूर दूर पार्टिकल है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्पेस है, देखिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक दूसरे से, ठीक है। तो ना तो इनका वॉल्यूम फिक्स है और ना ही इनकी शेप फिक्स है, दोनों ही क्या है हमारे पास, दोनों ही क्या है हमारे पास, चेंज हो सकती है, ठीक है, अनिश्चित है हमारे पास दोनों ही, अच्छा। इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट होती है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से अब कंपैरिजन समझ में आ गया होगा सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ठीक है। अब हम अपनी थर्ड फोर्थ स्टेज पे आते हैं, जो है प्लाज्मा, ठीक है, जो है प्लाज्मा। कई बच्चों को प्लाज्मा के बारे में पता भी नहीं होता है, देखिए प्लाज्मा क्या होता है हमारे पास, प्लाज्मा में हमारे पास क्या होता है, अगर हम गैस के आयंस को, गैस के पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, ठीक है, अगर हम गैस के पार्टिकल को एक हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, तो वो जो गैस के आयंस हैं वो प्लाज्मा की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि प्लाज्मा स्टेट हमें कहाँ मिलती है, हाई टेम्परेचर से मिलती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर से मिलती है। और किसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ता है, हमारे पास जो गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के जो आयंस हैं हमारे पास, उनको हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास प्लाज्मा स्टेट आती है। और ये जो प्लाज्मा स्टेट है ये बेसिकली आपको स्टार्स पे देखने को मिलती है, ठीक है, ये हमारे पास स्टार्स में होती है। दूसरी बात कि सन भी तो एक स्टार ही है, सूरज भी आपका एक क्या है, स्टार है, तो सूरज पे जो स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है। सन हमारे पास क्या है, प्लाज्मा स्टेट में होता है, सन हमारे पास प्लाज्मा स्टेट में होता है, ठीक है। अब देखिए 1879 में विलियम क्रुक नाम के साइंटिस्ट ने, विलियम क्रुक नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि प्लाज्मा भी कोई स्टेट होती है। 1879 में विलियम, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, याद रखिएगा, विलियम क्रुक ने हमें, क्रुक ने हमें क्या बताया कि हमारे पास प्लाज्मा भी कोई स्टेट होती है, ठीक है, बट उसने सिर्फ ये बताया कि ऐसे भी कोई स्टेट है जो हाई टेम्परेचर पे है। बट 1928 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, दैट इज That is Langmuir. 1928 में हमारे पास साइंटिस्ट आए Langmuir, इन्होंने हमें क्या बताया कि जो स्टेट है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, उस स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा स्टेट है, ये हमें किसने बताया, तो हमारे पास आंसर होगा इसका विलियम क्रुक ने, ठीक है। विलियम क्रुक ने 1879 में हमें बताया कि ऐसी कोई स्टेट है जो हाई टेम्परेचर पे लाई करती है, बट Langmuir ने हमें क्या बताया कि ये जो स्टेट है जो हाई टेम्परेचर पे लाई करती है, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं।
मिलते हैं। ठीक है, आपको क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए इस स्टेट में हमारे पास क्या होता है, क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में हमारे पास 1928 में दो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट वन सत्येंद्र नाथ बोस और दूसरे थे हमारे पास आइंस्टीन। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक पार्टिकल डिस्कवर किया। पार्टिकल था हमारे पास हिंग बोजोन। ठीक है, इसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, ईश्वरीय कण। ठीक है, गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं क्योंकि इस हिंग बोजोन का यूनिवर्स की फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत योगदान है। योगदान हम कह सकते हैं कि इसके कारण भी हमारे पास यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने 1928 में इस गॉड पार्टिकल को डिस्कवर किया और इन्होंने क्या बताया कि इस पार्टिकल को अगर हम मिनिमम ताप पे ले जाएं, मतलब मिनिमम टेम्परेचर पे ले जाएं, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर स्टेट बनेगी वो स्टेट क्या कहलाएगी, आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्टिकल को आप अगर जीरो केल्विन पे लेके जाएंगे तो जो आपके पास स्टेज बनेगी वो स्टेज कौन सी होगी, आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होगी। देखिए यहाँ पे एक बात समझने की है, आपके माइंड में आएगा कि मैम ने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, हम यहाँ पे माइनस में भी तो लिख सकते थे टेम्परेचर कुछ इस तरीके से, है ना। तो देखिए आपका जो केल्विन है उसका मिनिमम जो ताप होता है वो जीरो केल्विन ही होता है, माइनस में केल्विन की वैल्यू नहीं आती है। और ये जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी में पूछा भी गया था, जिसमें आपका क्या दिया हुआ था, देखिए एक बार, कि निम्न में से क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन सा ताप नहीं है। ठीक है, आपको बताना था, आपके पास चार ऑप्शन है, देखिए दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस, -117 डिग्री फॉरनाइट, -173.3 केल्विन और दूसरा था none of these। तो बताइए इनमें से कौन सा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो -173.3 केल्विन है ये टेम्परेचर नहीं होता है, क्योंकि केल्विन में जो मिनिमम ताप है वो जीरो केल्विन ही होता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो केल्विन है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता है, और सारे टेम्परेचर को हम फिर भी नेगेटिव में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे अपने लास्ट स्टेज, जो क्या है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसमें हम हिंग बोसोन नाम के पार्टिकल को मिनिमम ताप पे लेके जाते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में ही किया है, नेक्स्ट आपके जो चैप्टर हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।